हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी लोकेशन पे लेके जाऊंगा जो प्री वेडिंग के लिए भी बेस्ट है। आप वहाँ घूमने जा सकते हैं और देखने में भी लोकेशन अच्छी है। ये लोकेशन सारी जंगल की, एक तरह से ये जंगल ही है। तो आज हम यहाँ से जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको जंगल का एक फ्रूट दिखाता हूँ जो हमें यहाँ से मिला। ये एक ये है, और आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये गाड़ियाँ भी जा रही हैं उधर, ये उसी तरफ जाएंगी, ये ऑफ रोडिंग करने जा रही हैं अभी सर। तो यार चेक कीजिए, हम यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। ये दूसरी लोकेशन है, या एक और लोकेशन है, मैं वो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। वही मेन प्री वेडिंग के लिए मेन वो जगह, वो लोकेशन अच्छी है। ये तो हम वैसे ही घूमने आ गए। ये आप यकीन नहीं करोगे कि ये होशियारपुर में लोकल जगह है। ये कोई हिमाचल का पार्ट नहीं है,
ये हमारे होशियारपुर में ही है। तो बाइक हमने यहाँ लगा ली, अभी हम जा रहे हैं नीचे। और ये हम पहुंच गए डैम के बिल्कुल पास, बिल्कुल नजदीक। हाँ हाँ इतना का पानी है। बीस साल हो गए हैं दर्शन बिची। ये इंसान डिस्कवरी वालों के साथ से लाया गया है। पानी डूंगे दी बाई होंदी है ये मुझे तो उत्ते रह जानी है। सब मिट्टी है। हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम बिता लिया, तो अभी हम जा रहे हैं आगे वाली लोकेशन पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आगे मज़ेदार और लोकेशन आने वाली है। तो ये भी लोकेशन होशियारपुर की है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। तो गाइस ये है वो लोकेशन जहाँ पे आप प्री वेड शूट के लिए आ सकते हैं। एक यहाँ पे लोकेशन अच्छी है, वहाँ तो छोड़िए,
यहाँ पे आप ड्रोन के साथ और कई तरीके से आप शॉट ले सकते हैं जिससे आपकी प्री वेडिंग अच्छी हो सकेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे भी वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे चलिए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से वहाँ सीढ़ियाँ जो हैं, सीढ़ियों से आप ना वो बनवा सकते हैं प्री वेड शूट के लिए। बहुत अच्छे अच्छे एंगल आ रहे हैं, आते हैं। तो पहले हम वहाँ नीचे जाके देखते हैं, तो मिलते हैं सीधा नीचे। चलो भाजी, इतने किसी करते जाओ ना, नहीं 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 स्लाइड करते जाओ, इतने स्लाइड, इतने भाजी सील हो जानी है इतने कि इतने इधर आलू की सील नहीं हो जाती। मैं लादा उच्च टरबाइन चलती भाजी। नारा डैम बहुत उच्चा लिखता। तो दोस्तों अभी हम नीचे आ चुके हैं, तो ये वाल्व चैम्बर, ये बल्ब चैम्बर है। मैं आपको कैमरे से दूसरे दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। ये बल्ब चैम्बर है, ये टरबाइन, मेरे ख्याल से ना टरबाइन चल रही है अभी। तो पहले यहाँ से छोड़ा जाता था पानी, लेकिन अभी वहाँ से नीचे से कर दिया है इन्होंने। थोड़ा थोड़ा चल रहा है पानी, मेरे ख्याल से शायद वहाँ से चल रहा हो। तो हम अभी वहाँ से नीचे आएंगे, नीचे भी जाके देखेंगे कि क्या है। वो तो रास्ता मेरे को मालूम है कहाँ घूम के जाता है, ये नहीं मालूम। तो गाइस हम नीचे आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से, नीचे तो आ गए हैं, जाने का पता नहीं। वहाँ से ऊपर से। तो वो था हमारा पावर प्लांट, पाइप। वो पाइप किस चीज़ की है, ये उसी की पाइप है पावर प्लांट की। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि क्या है। वैसे आगे होगा तो कुछ नहीं, वही जंगल ही होगा। ये तकरीबन पूरा जंगल एरिया है। उधर चलिए, चलो उधर घूम के आने। तो चलिए इस तरफ जंगल में जाके देखते हैं, अगर जो मैं रास्ता सोच रहा हूँ वही होगा तो मैं एक बाइक आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ला के दिखाऊंगा। ओए नहीं, रास्ता होना। हाँ मैंने पता कितों रास्ता निकलता। पार्टी कांटे भी है, बड़े बड़े हैं। हैं? तो टटी मैं लादा कि वो डैम इथे ना आता हो भाजी, घूम गए कानू नारे चो इधर कितने जाना मामा गंदे तो। आयो वो जंगल पानी है, नहीं आयो घूम के जाता रास्ता। क्या
ये रास्ता हमारा, वो इंसान थोड़ा जल्दी थक जाता है। अभी हम इसको आगे आगे करेंगे। चलो भैया आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, इधर जैसे ट्रैक्टर आता है भाई। तो हम अभी मेन रोड पे पहुंच गए। अगर यहाँ से पैदल जाएंगे तो वो काफ़ी दूर है, लेकिन इधर से नज़दीक पड़ेगा। जहाँ से अभी हम आए हैं, सांस फूल गई यार। वो था शॉर्टकट रास्ता, ये है लॉन्ग रास्ता। तो चलिए मिलते हैं वहां पे जाके। ये वही लड़के हैं जो ऊपर थे। देखिए ध्यान से देखिए इस प्राणी को, कुत्ता भी लगो टक्कर गया है। प्राणी ने मेरे से आया पूछाई है भाजी, कितना वो कितना नेड़े सेगा जी? हां भाजी, वो रास्ता कितना नेड़े सेगा यार? वो फिर डॉन उतरे हैं, ये चढ़े हैं। अरे कितना ये बढ़िया है ना। चलो चलिए, वो रास्ता ज़्यादा छोटा। ब्लॉगिंग करते करते ना बंदे ने इधर ला दी, सज़ा मिल गई होंगी इधर बाँह उपर रखने वाली। थले भी रख सकते पर सूरज आ, इसलिए थोड़ा जहा इतें रखेंगे। लाइटिंग कंडीशन भी बढ़िया, एंगल भी बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। काफी दूर चल के जाना पैना। नहीं लगे है। तो आपको मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ कि वहां से कितना नजदीक था और यहाँ से कितना दूर है। यहाँ से पहले यहाँ से घूम के, वहां से घूम के, और फिर वहां जाना है हमको। ये बाकी घर में आ जाएगा। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, सार था खोल गया था थले चढ़ते चढ़ते। अभी हम, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वहाँ नीचे से आए हैं ऊपर। तो करनी 5 किलोमीटर होना है तो भी की है भी ये होना 2 किलोमीटर भाई। थके तो नहीं? हां सच्ची। चलो फिर एक काम करो, इधरों घूम के उधर जाओ। थोड़ा पानी चाहिए मिलनी की बच्चा पूला। कहो जय माता दी, जय माता दी।
नीचे से आना थोड़ा आसान था, लेकिन यहाँ से घूम के जाना मुश्किल लग रहा है, काफ़ी दूर लग रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे गेट के पास, मैं दिखाता हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गेट के पास, वहाँ नीचे से गए थे, अभी ऊपर से आ गए घूम के। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिख रखा है कृपया मस्ती के साथ सफाई का भी ध्यान रखें। तो सफाई रखा रखिए, हॉर्न मारा भी उसने। वो बंदे वहाँ मछली पकड़ने हैं, लेकिन जो नीचे नहा रहे हैं वो गलत काम है, आप कभी भी ऐसा मत कीजिए। पानी कितना गहरा है किसी को मालूम नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा गलत काम कभी मत कीजिए, क्योंकि ये पानी कितना गहरा है किसी को मालूम नहीं। यहाँ पहले भी 2-3 ऐसे चांस हो चुके हैं कि लड़के डूब के मर चुके हैं नहाने के चक्कर में ही। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, घूमने आइए, सेफ रहिए। कर ला कोई नहीं, ये देखो। वाह क्या बात है भाई, कोई नहीं शेरा, कोई नहीं फायदा भी आएगा भाई। तेरा जुगाड़ता हो गया मित्रा। हाँ जी हो गया मेरा जुगाड़ता, गंगा भर गया।